नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण का मामला लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार धर्मांतरण को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी के सवालों पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। बताते कि जहां एक दिन पहले पूरा विपक्ष भारी बारिश में राजधानी की सड़क पर शांति मार्च करने में नजर आया, तो उसके अगले दिन प्रदेश में बयानी जंग देखने को मिली। बता दें कि भाजपा का आरोप है कि जिन पादरियों के खिलाफ धर्मांतरण की शिकायत की जा रही थी, उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। शनिवार को शांति मार्च लेकर भाजपा नेता राज्यपाल से मिले और धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगवाने की मांग की है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में भाजपा इसी मुद्दे के साथ अपना सियासी खेल भी खेलेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने धर्मांतरण को शह देने के हर आरोप को झूठा और भाजपा के पास मुद्दों की कमी को करार दिया है। शांति मार्च के दौरान प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पूरी तरीके से भारी बारिश में भीग चुके थे और उन्होंने अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, धर्मो रक्षति रक्षिता, सरकार सुन ले कि अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। सरकारी संरक्षण में जो धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है, उसे रोकने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता चाहे पानी गिरे या फिर आग बरसे, डिगने या हटने वाला नहीं है। वहीं इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मजाकिया लहजे में जवाब दिया गया। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर जवाब में लिखा गया कि पहले व्यक्ति हैं रमन सिंह जो भीगने के बाद छाते में नीचे आ जाते हैं। कांग्रेस ने हैशटैग करते हुए इसे लिखा कि नौटंकी फोटोशूट। बता दें कि धर्मांतरण के मामले में भाजपा का दावा है कि बस्तर, सरगुजा और रायपुर जैसे इलाकों में ईसाई मिशनरीज पैसों का लालच देकर लोगों का धर्म बदल रहे हैं। ऐसा करने वाले को सरकार समर्थन दे रही है और एक हफ्ते पहले रविवार के ही दिन रायपुर की पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण को रोकने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे भाजपा बजरंग दल के युवकों ने थाने आए पादरी को जूते से पीट दिया था और दो युवकों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।